प्रणाम, मैं आरवी ओसवाल करजत से। सबसे पहले मैं भोसरी संस्कार वाटिका का थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे संस्कार वाटिका में शामिल किया। पांच प्रतिक्रमण 6 महीने में मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सा टास्क था जो अभी कंप्लीट हो चुका है, और उसके लिए मैं आशा आंटी और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी शुद्धता से सूत्र सिखाए, इतनी मेहनत ली। और वो कहते हैं ना कि अगर आपका कोई एम फिक्स्ड हो तो आपको इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रणाम। प्रणाम बेटा, क्या लग रहा है सूत्र के फाइनल में आके आपको? आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरा पांच प्रतिक्रमण 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और ये सब सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स के हेल्प से ही पूरा हो पाया है। तो अपने टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? उनका बहुत सपोर्ट रहा इस सूत्र की रेस में, और हमें हर चीज में उन्होंने हेल्प की। अच्छा, क्या लगता है अभी आपकी टीम में से कौन सी टीम जीतेंगी? कोई भी जीत सकते हैं, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था इस बार, तो कोई भी जीत सकते हैं। अच्छा ठीक है, मान गए आप जीत गए, तो अपने साथ जीरावला में किसको किसको लेके जाओगे? मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को। ओके, संस्कार वाटिका के बारे में कुछ कहना चाहूंगी? उसके बारे में तो जितना कम उतना कम ही है। यही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें हमारे धर्म के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। बहुत अच्छा साची। अब बताओ, आपके पांच प्रतिक्रमण तो कम्प्लीट हो गए, तो क्या अभी प्रतिक्रमण बनाने के लिए बाहर जाओगे? हाँ जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड बेटा, और भी आगे सीखना, और भी आगे बढ़ना। ओके हाँ। प्रणाम, मैं शुभ बोले। जब मैंने अच्छा के एग्जाम में हिस्सा लिया तब मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मिस थाने पर से होने के कारण मुझे ऐसा लगता, मुझे जो शब्द थे वो लर्न करने में बहुत हार जाते थे, लेकिन सभी टीचर्स की वजह से मुझे ये पॉसिबल हुआ। अतिचार के एग्जाम के वक्त मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज तक यहाँ तक पहुँच पाया। मेरे माता पिता, दादा दादी ने बहुत सपोर्ट किया। घर से मिले हुए संस्कार और संस्कार वाटिका से मिले हुए संस्कार, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। धन्यवाद।